नागपुर शहर में होली के मद्देनजर पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त था, इसलिए होली का त्यौहार शांतिपूर्ण बीता। कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। जगह जगह पुलिस ने नाकाबंदी की थी, जिसमें ट्रैफिक विभाग ने ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 1026 लोगों पर कार्रवाई की है। ऐसी जानकारी ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने दी है। होली के त्यौहार में कोई अनहोनी घटना न घटे, इसलिए नागपुर शहर में 5,500 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे और जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी कर चेकिंग की जा रही थी। इसी का नतीजा है कि होली का त्यौहार भंग नहीं हुआ। पूरे शहर में होली का त्यौहार अमन और शांति के साथ मनाया गया। वहीं ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर में ड्रंक एंड ड्राइव के तहत 1026 लोगों पर कार्रवाई की गई, जो कि पिछले साल की तुलना में 168 से अधिक है। ट्रैफिक विभाग के पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने बताया कि कार्रवाई करने में महाराष्ट्र राज्य में नागपुर सबसे आगे है। ट्रैफिक विभाग द्वारा शहर में 50 जगह पर नाकाबंदी की गई थी, जहां पुलिस ने मोटरसाइकिल पर ट्रिपल सीट सवार रैश ड्राइविंग करने वालों को रोककर उन पर कार्रवाई की। साथ ही जगह जगह ड्रंक एंड ड्राइव करने वालों की जांच कर उन पर भी मामला दर्ज किया गया। साथ ही पुलिस उपायुक्त विक्रम साली ने बताया कि पूरे शहर में अलग अलग विभाग द्वारा 3,000 से अधिक लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें से 1026 लोगों पर ट्रैफिक विभाग ने कार्रवाई की। कल नागपुर शहर में ड्रंक एंड ड्राइव की 1026 कार्रवाई हो गई। वो पिछले साल के कंपैरिजन में 168 से ज़्यादा है और ओवरऑल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कार्रवाई हो गई। टोटल 50 जगह पे नाकाबंदी थी और 500 से ऊपर कर्मचारी थे। कुछ भी इंसिडेंस या एक्सीडेंट नहीं हुआ, होली शांतता से पार हो गई। कैमरामैन राजकुमार मोहड़ के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।